अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिव रहमान सेठ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 3 कर्नाटका। दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है वज़ीर आला से मुलाकात की। जी हां दोस्तों, सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया से मुलाकात की सुन्नी जमात के उलमा। दोस्तों 4% रिजर्वेशन पे बात की है, हिजाब इशू पर बात की है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया साहब से काफ़ी देर हमदर्द कौम मिल्लत अलहाज अमीर जान साहब चेयरमैन मरकज़ अहल सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल की सदारत में हमारे मौक़र उलमाए किराम अमायदीन शहर के साथ में काफ़ी देर उनके साथ बातचीत हुई। हमारा एजेंडे यही थे कि जो इलेक्शन से पहले बीजेपी पार्टी ने 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किया था और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, लेकिन अभी तक उसको बहाल नहीं किया गया है। हम देख रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल में बहुत सारे बच्चे ओबीसी और रिजर्वेशन को लेकर परेशान हैं और वो काफ़ी मामलात ये चल भी रहे हैं। तो हमने यही कहा सीएम साहब से कि इसको जितना जल्दी हो सके इस रिजर्वेशन को वापस किया जाए। और अभी हाई कोर्ट के अंदर जो हिजाब का मामला चल रहा है उस पर भी हमने बात की कि अभी जो हिजाब के मामलात कोर्ट में चल रहे हैं उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और हमारी जो बच्चियां हैं वो नकाब डालकर स्कूल या कॉलेज में जाना चाहती हैं तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। बहुत सारी बच्चियां हैं जो नकाब की वजह से जिनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, तो एजुकेशन पूरी करें, तो उस पर हमने बात की। और दूसरा, एक रियासत कर्नाटक का मरकज़ है जामिया हज़रत बिलाल, तो पूरी रियासत कर्नाटक के लोग ये चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद दें। सीएम साहब रहे हैं हमारे सामने, हम उनके साथ बैठना चाहते हैं। तो हर ज़िले में तो सीएम साहब नहीं जा सकते, हमारी कोशिश थी कि जामिया हज़रत बिलाल के मातहत रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर में एक अजीम शान पैमाने पर इजलास होना चाहिए जिसमें तमाम रियासत कर्नाटक के उलमाए किराम अमायदीन और जो भी काम करने वाली शख्सियात हैं तमाम को बुलाया जाए। तो उस पर भी सीएम साहब ने कहा मैं बहुत जल्दी आपको एक तारीख़ देता हूं, उस तारीख में हमें अपना प्रोग्राम करना है। सीएम साहब की तरफ से क्या रिप्लाई आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे लहजे में उन्होंने तमाम हजरात से बातचीत की और उनसे कहा भी गया कि हम लोग काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाहते थे लेकिन काफ़ी ताखिर हो चुकी है। तो कहा कभी भी अगर आपको हजरात को मिलना है तो उनके जो पीए साहब हैं उनसे उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि अमीर जान साहब अगर कभी भी ये फ़ोन करें तो आप फौरन फ़ोन का जवाब दें और मेरी बात कराएं। लेकिन ये हिजाब और रिजर्वेशन के मामले में उन्होंने क्या कहा? उसने कहा इंशाल्लाह हमने जो वादा किया है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जितनी भी गारंटी हमने ली थी उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जो हमने वादे किए हिजाब को लेकर या 4% रिजर्वेशन को लेकर जो हमने वादे किए वो हम पूरा करेंगे, कहा उन्होंने। अच्छा, हाल ही दिनों में मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर भी बातचीत हुई, उस पर हमने उसको भी किया है कि उसमें जो हमने मेमोरेंडम दिया है सीएम साहब को उसमें वो भी मौजूद है। अभी चेयरमैनशिप की जितनी भी सीटें हैं उसमें तकरीबन यानी 15 से 20 चेयरमैन तो मुसलमानों के होने चाहिए, उस पर ही हमने मेमोरेंडम में वो भी लिखा है एमएलसी के बारे में कि 3 MLC थी, एक मुस्लिम को देना चाहिए था लेकिन ये हमारे लोगों के आपस में जो इख्तलाफ होना इत्तेफाकी की वजह से ये हमको नुकसान हुआ है, लेकिन उसका भी उन्होंने वादा किया है कि हम जितना हो सकेंगे आपकी बिरादरी यानी मुस्लिम को कम्युनिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी ओहदे खाली हैं जो भी जगहें हैं इंशाल्लाह हम वो ज़रूर, यानी उन्होंने कहा कि हम उस पर भी बैठकर बात करेंगे। जी।